अस्सलामुअलैकुम। एसएस साइंस एकेडमी में आज फिर हम बुनियादी अमल तकसीम के ऊपर एक नया सवाल लेके हाजिर हैं। तो ये सवाल जो है, अभी जो जस्ट अपना MHTET का एग्ज़ाम हुआ, टेट का 2024 से पूछा हुआ है। तो देखो ये कितना आसान है, और हमको जो है बेसिक जो है हम आपको पढ़ा रहे थे, तो उसमें समझ में आया कि लेना चाहिए, तो हम उसमें ले रहे हैं। तो इसमें जो है हम वालदेन से भी गुजारिश कर रहे कि जो है आप जो है वीडियो पूरा पूरा देखें, और ये जो है समझें भी। और यहाँ पे जो है जो प्राइमरी की जो तालीम रहती है वो अच्छी पुख्ता हो, तो पाया अच्छा रहा तो इमारत भी अच्छी तामीर होती है, ये सभी का कहना है और ये सही भी बात है। तो यहाँ पे जो है ये जो तकसीम का अमल है, तकसीम के अमल में हमने उससे पहले भी समझाए थे कि 1 से 100 तक जो है आदाद आपकी शिनाख्त और ज़बानी लिखना आना, 2 तनों तक पहाड़ पर ज़बानी अगर अच्छे याद है और उसको ज़बानी अगर लिखना आए तो ये हमको जो है रियाजी के अमल करने में बहुत दिलचस्पी आती है। और 1 से 100 तक आदाद को किस तरह से याद करना ये भी बताए थे। अपना अपना सेल्फ जो है टेस्ट भी लेने के लिए बोले थे। तो ये तमाम जो अमल है वो करना है। और अभी मतलब ये जो उम्र है बचपन की, जो उम्र रहती तो कहते हैं कि बचपन तक उसको याद रहता, तो ये बचपन में जो है ये जो बच्चों की जो तालीम है उसके लिए वालदेन का वक्त ज़रूरी रहता, और ख़ासकर समझो माँ बाप दोनों का भी किरदार इसमें अहम है। तो अभी हम सवाल के ऊपर आएंगे। आदाद 10, 12, 16, 18 से एक अदद को तकसीम करने पर बाकी 7 बचता है, तो ऐसा छोटे से छोटा 4 हिंसी अदद कौन सा है? अब इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक अदद ढूंढना है। तो अब यहाँ पे देखो सवाल में ही क्या बोल रहे हैं कि ऐसा छोटे से छोटा 4 हिंसी अदद कौन सा है। तब यहाँ पर देखो कि हमने छोटे से छोटा अदद आपको निकालना है। तो अब 1 से 100 तक अदद हमने आपको बताए थे, तो अब इसमें देखो ये चीज यहाँ पर इस्तेमाल होती, तो अब इस अदद को पढ़ना लिखना भी है। 1 से 100 तक अदद अगर ये पक्के पानी याद हो गए तो आपको जो है ये अदद भी पढ़ना लिखना आता। अब यहाँ पे जो है ये पहला ऑप्शन क्या है, 9719, दूसरा क्या है 2167, 2727, 1447। अब इसमें से आपको पहचानना है, तो अब देखना है कि छोटे से छोटा अदद अगर मालूम करना है तो सबसे लास्ट का हिंसा देखना हजार में। तो यहाँ पे जो है हजार में 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो फिर सबसे छोटा 4 हिंसी अदद क्या हो जाएगा, 1447। अब यहाँ पे देखना एक सवाल में क्या बोल रहा है कि अदद 10, 12, 16, 18 से एक अदद को तकसीम करने पर। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया कि छोटे से छोटा 4 हिंसी अदद 1447 है, 1447, 1447। अब ये 1447 हमने कैसे लाए कि ये 9719, 2167, 2727 और 1447। तो अदद छोटा बड़ा मालूम करने के लिए हमेशा लास्ट का डिजिट देखना, तो लास्ट का डिजिट यहाँ पे क्या हजार का है, तो ये दोनों में जो है ये 9 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये छोटा है, तो यहाँ पे ये सबसे छोटा अदद क्या है, 1447, ये इस तरह से आया। यानी यहाँ पे ये 9, ये 2, ये 2, ये 1, तो यहाँ पे ये 9 बड़ा है, फिर ये 2, ये मसावी 2, फिर बाद में ये 1 जो है इससे छोटा, तो फिर ये 1447 ये अदद छोटा। अब देखना है कि ये 10 से तकसीम करने पे इसको कितने बाकी बचते, तो आप 1447 को 10 से तकसीम करेंगे। और फिर बाद में 1447 को ही 12 से तकसीम करना है। सवाल को समझना, सवाल को समझना जरूरी है। और 1447 को फिर 16 से तकसीम करेंगे, फिर 1447 को 18 से तकसीम करेंगे, यहाँ पे 12 से। तो
ये मकसूम है 1447, 1447 मकसूम है। यहाँ पे 10 मकसूम है, 10 का पहाड़ा आसान है, जबानी है। ये 2 हिंसी है तो बाएं तरफ से हमको 2 हिंसी दस में बिठाना है। 14 होता, 10 एकन 10, तफीक करने पर 4 बाकी। फिर बाजू का हिंसा जो है 4 उधर है, ये 44 हो गया। 44 से मतलब 44 के करीब करीब आने तक अगर हम पहाड़ा पड़े तो 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 44 से बड़ा 50 होता तो 10 चौक 40, तफीक करने पर 4 बाकी। बाजू का हिंसा 7 उतारे, फिर 10 पंजे 50 जो कि बड़ा है 47 से, तफीक नहीं होता तो 10 चौक 40, तो ये बाकी 7 रह गया। अब यहाँ पे 12 से तकसीम कर रहे हैं हम, 14 में 12 एकड़ 12, 12 का पहाड़ा जबानी याद ही होंगे। ये 4 में से 2 गए, 2 1 में से गया 0। बाजू का हिंसा उतारे 4, 12 दूनी 24। अब इसमें तस्वीर करने पर बाकी 0। अब बाजू का हिंसा उतारे 7 तो 12 एकन 12 बड़ा हो जाता, 12 0 0, तो बाकी 7। तो ये 16 का पहाड़ा, 16 का पहाड़ा अगर याद भी नहीं है तो आप बाजू यहाँ पे ऐसा 16 से। अब ये एकदम 14 जो है 16 से छोटा है, तफरीक नहीं होता तो आपको बाजू का भी हिंसा लेना पड़ता 144। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए हमको थोड़ी सी तरकीब लगाना पड़ती, 16 दहे 160 होते, तो 144 का 144 जो है 160 से छोटा है। तो फिर हम क्या करेंगे, 16 ना है देखेंगे, 9 6 54, 9 1 9 और 5 14, तो 144 हो जाते, तो ये 16 ना है 144। बाकी यहाँ पे 0 बाजू का हिंसा उतारे 7, 7 छोटा है इसलिए 0 का पहाड़ा जाता, 7 में से 7 गए तो ये 7 में से 0 गए तो 16 0 0 7 बचते। तो यहाँ पे फिर अब वो ये सब में 7 7 हो गया, आखिर का एक अदद रह गया 18। अब 18 18 18 दहे 180 होते, देखो 18 दहे 180 और ये 144, तो 144 छोटा है तफीक नहीं होता, 18 ना है भी नहीं होगा क्योंकि तो यहाँ पे ये 16 ना है 144, ये 18 का पहाड़ा है, तो फिर ये 18 8 देखेंगे, 8 8 64, 8 1 8 और 6 14, यानी 18 8 144 आता इस तरह से। तो ये बाकी 0, ये बाजू का हिस्सा होता है 8 7, यहाँ पे 0 का पढ़ा जाता, तफ़ीक करने पर बाकी 7, यानी 1447। वो छोटा से छोटा 4 इंच अदद है जिसको 10 12 16 और 18 से तकसीम करने पे बाकी 7 बचता। तो इस तरह ये इम्तिहान में पूछा हुआ है, तो इसमें जो है यहाँ तो आपको सॉल्यूशन करके बताया, आपने इसको जबानी जब का जब देख कर आपको 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर आपको ये सवाल करना पड़ता, तो आपने देखना और इस तरह से सवाल का जो है मतलब समझ के अमल करना, और उसके बाद अगला सवाल देखेंगे।